तलाक पर सच हुई भविष्यवाणी। 99 वोटों के साथ पास हुआ बिल। पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को मिली आजादी। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का धर्मज्ञान में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता। और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन बेतरा शोका जी। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसकी भविष्यवाणी सन बेतरा जी कैची धाम से पहले ही कर चुके हैं। जी हाँ, लोकसभा के बाद राज्यसभा में अटका 3 तलाक का बिल आखिरकार पास हो गया है, जिस बिल को लेकर मोदी सरकार ने बड़ी मेहनत की थी, तमाम पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश की थी। आखिरकार उस काम में मोदी सरकार सफल हुई है। और इस बिल को लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो पीडीपी से लेकर टीआरएस हो गई और जेडीयू हो गई, एआईडीएमके हो गई और तमाम कुछ पार्टी थी जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसके चलते सरकार को यानी कि मोदी सरकार ने आसानी से इस बिल को पास करवा दिया। और कांग्रेस इस बिल के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों को अपने साथ लाने में विफल रही। अब जो कि सन बेतरा जी की एक और भविष्यवाणी सच हो गई है 3 तलाक को लेकर। कैची धाम से सन बेतरा जी ने कहा था कि 3 तलाक बिल लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से भी सफलतापूर्वक पास हो जाएगा। ऐसे में 3 तलाक का जो बिल है उस सफल मतलब इस जीत के बाद खासकर 2024 पे क्या असर पड़ेगा, अब आगे क्या होने वाला है, आइए एक बार दोबारा सन बेतरा जी से जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी भविष्यवाणी एक और सच, बड़ी भविष्यवाणी आपके जन्मदिन के मौके पर सर सच साबित हुई है, बताइए क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है। देखिए, मेरी भविष्यवाणी का सत्य सिद्ध होना और देश के हित के लिए जो माननीय मोदी जी ने निर्णय लिया था वो राज्यसभा से पारित होना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, पूरे देश के लिए खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ से जो है देश का जो बदलाव है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि एक वर्ग जो है जिसको मुस्लिम वर्ग, जिसको तुष्टीकरण के तहत एक कोने में रखा हुआ था, कोने में कैसे रखा हुआ था, सिर्फ उनके जो आका मौलाना हैं उनके थ्रू उनको कंट्रोल किया जा रहा था। और जिसके लिए ये पास्ट की सरकारें इस बारे में सोच भी नहीं सकी जिस चीज़ के बारे में माननीय मोदी जी ने सोचा। बहुत बड़ी बात है। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं मुस्लिम, वो 3 तलाक के दंश को किस तरीके से सहती थी वो तो अब आस्ता आस्ता सामने आएगा। लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है ये बहुत ही दूरगामी है। कारण ये है कि वो जो तुष्टीकरण की नीति के तहत जो आपकी जो कांग्रेस हुई या रीजनल पार्टियां जो हैं मुस्लिम वोट्स को जो यूज़ करती थी वो अब जो है नहीं यूज़ कर पाएंगी। क्योंकि 3 तलाक का बिल पास होते ही मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकलने का एक मौका मिलेगा। आज 3 तलाक पास हुआ, कल वो बुरका हटा देंगी, परसों वो जो हैं जब आपके देश के साथ कदम मिला के जैसे बाकी महिलाएं जो है चल रही हैं इस टाइम, आप देखिएगा महिलाओं का, महिला कहाँ नहीं पहुँची, लेकिन अगर आपने अपनी महिला को अगर बुरके के अंदर ढक दिया तो वो क्या कर पाएगी। तो 3 तलाक एक शुरुआत है मुस्लिम महिलाओं के लिए, और वो जब इससे बाहर आएंगी और बुरके से जब वो बाहर आएंगी तो उनको पता लगेगा कि ये जो निर्णय हुआ वो उनके लिए कितना अच्छा और कितना दूरगामी है, उनके फ्यूचर को कहाँ लेके जाएगा, देश को कहाँ लेके जाएगा। तो इसका इफ़ेक्ट जो अगर आप 2024 के इलेक्शन को छोड़िएगा, अभी जो 4-5 स्टेट के इलेक्शन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। सर, इस पक्ष में जो कि इस बिल को राज्यसभा में हमारे देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया और इस बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े और अब जो कि बिल पास हो गया है जिसके चलते देश की जितने भी मुस्लिम महिलाएं हैं खासकर जो 3 तलाक से पीड़ित हैं उनमें खुशी की एक लहर है। लेकिन अब जो कि कांग्रेस तमाम विपक्षी पार्टियों को इस बिल के विरोध में अपने साथ लाने में विफल रही, तो ऐसे में आप क्या क्या समझे कि बाकी विपक्ष पार्टियों का क्या हुआ? सर देखिए,
जो लोगों ने वॉकआउट किया वो इस बिल के पक्ष में ही है, क्योंकि राजनीति में ना बड़ी दूर की सोच के आदमी चलता है। कल जब हम अलग से इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे तो कोई हमको ये ना कहे कि आप ने तीन तलाक मौलाना लोगों को उनकी नाराज़गी से बचने के लिए कि भैया आपने तीन तलाक के बिल को पास करवाया था, तो वो लोग कहेंगे कि जी हम तो थे ही नहीं उसमें। इनडायरेक्टली तो आपने उसको पास ही करवाया, अगर उन्होंने वॉकआउट किया तो। चलिए सर, इस पे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो कि तीन तलाक बिल आज राज्यसभा में पेश हुआ और पास हो गया, लेकिन इस बिल के पास होने की जो भविष्यवाणी थी, संबेत्रा जी हमारे साथ हमारे चैनल पे बैठकर कैची धाम से इन्होंने पहले ही कर दी थी, जो कि आज यानी कि इनके जन्मदिन के मौके पर सच साबित हुई है। अब जो कि संबेत्रा ने कहा है कि इस बिल के पास होने के बाद 2024 में इसका एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा, खासकर जिसका फ़ायदा मोदी सरकार को होने वाला है, और विस्तारपूर्वक उस पर हम अपने अगले एपिसोड पे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को दीजिए इजाज़त, और धन ज्ञान के साथ आप हमेशा जुड़े रहिए, और हमारे आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सर कि कुरान में क्या है और इस्लाम में क्या है सर, और मैं अपनी बात सर यहीं से शुरू करना चाहता हूँ सर। आमिर अली प्रेरी काउंसिल के जज थे सर, बाद में बंगाल हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के जज रहे सर। उन्होंने किताब लिखी है कमेंट्रीज ऑन मोहम्मडन लॉ, ये कब लिखी थी 1908 में, और अब तक इस किताब के 12-13 संस्करण आ चुके हैं। एंड दिस बुक इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अथॉरिटेटिव बुक ऑन द मोहम्मडन लॉ। सर मैं सिर्फ चार लाइन पढ़ने की इजाजत चाहूंगा तलाक ए बिद्दत पर। आमिर अली सर तलाक ए बिद्दत पर क्या कहा उन्होंने सर, मैं बस पांच लाइन, और सर मैं इसका कौन सा संस्करण, 2005 फिफ्थ रिप्रिंट एडिशन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द कैप्रिशियस एंड इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ डाइवोर्स व्हिच वाज इन द बिगिनिंग लेफ्ट टू द हस्बैंड वाज स्ट्रॉन्गली डिसअप्रूव्ड बाय द प्रॉफिट। इट इज रिपोर्टेड दैट वंस न्यूज वाज ब्रॉट टू हिम दैट वन ऑफ हिज डिसाइपल हैज डाइवोर्स्ड हिज वाइफ प्रोनाउंसिंग द थ्री तलाक एट वन एट द सेम टाइम द प्रॉफिट स्टूड अप इन एंगर ऑन हिज कार्पेट and declared that the man was making a plaything of the words of God and made him take back his wife. Nothing shall go on record. What is Mr. Karim? What happened to you? Why are you sitting and talking, na? Sir. Please. See, there are ministries on his legs. If anybody wants to say anything, they should seek my permission. That is a system, you are all aware of it. Sir, Prophet and we had 4 hours discussion. Let us hear the minister. Sir, Prophet sahab ko mera bhi bahut izzat hai, adab hai sir. He is the last word. Agar unhone hajaron saal pehle isko itni sakti pabandi lagai ki unke jis bande ne aisa kiya usko kaha apni patni ko wapis lo, to 2019 mein hum 6 ghante se bahas kar rahe hain ki ye hona chahiye nahi hona chahiye. सही कहा एक दो लोगों ने, हमने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन क्या बोल रहे हैं, तीन तलाक गलत है, लेकिन बट, ये बट क्या है, तो मतलब तीन तलाक को नाम के लिए गलत कह दो, बाकी जो होता है चलने रहने दो, तो इससे हमारा डिफरेंस है। सर जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी इवॉल्व करती है, और आज जब मैं इस विषय को बोल रहा हूं तो गुलाम नबी आजाद साहब अपनी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, और वो कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं में हैं जो सुख और दुख में कांग्रेस के साथ रहते हैं, इसलिए उनकी और इज्जत करता हूं। और वो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी जानते हैं, और 58 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया तो क्या क्या किया ये भी समझते हैं। लेकिन आज जब उनकी तकरीर मैं सुन रहा था तो मुझे इस बात का बड़ा अजीब आश्चर्य हुआ, जो अच्छे काम उन्होंने किया वो भी भूल गए। सर शारदा एक्ट, सती की बात बहुत लोगों ने की सर, शारदा एक्ट 1929 हमने खत्म किया, बाल विवाह सर,
तो क्या खाली छोड़ दें? तब जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना सर, तो एसेंशियल ऑफ द हिंदू मैरिज में यह लिखा कि पति की उम्र 21 साल होनी चाहिए, पत्नी उम्र 18 साल होनी चाहिए, और जो इसका उल्लंघन करेगा तो सेक्शन 18 में कहा उसको 2 साल की सजा होगी। ये तो आपकी सरकार ने किया गुलाम नबी आजाद साहब, और उसमें तो ये नहीं कहा कि ये हम सजा देंगे तो वैवाहिक जीवन गड़बड़ा जाएगा। और क्या कहा सर, इफ ए वाइफ और ए हस्बैंड हैज ए स्पाउस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, द वाइफ और द हस्बैंड द केस में भी, देन द मैरिज इज वॉइड। और ये नहीं रुके सर, 494 में 7 साल की सजा भी होगी। तो जो बार बार आज कह रहे हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड कर दिया, तो